ये दुनिया के सबसे चीपेस्ट वाटर कलर्स है। ये डोम्स के वाटर कलर्स है एंड ये सिर्फ 20 रुपीज के हैं। ये टोटल 12 शेड्स हैं एंड अच्छी बात तो ये है कि इसमें स्किन टोन भी अवेलेबल है। तो आज के इस वीडियो में मैं इन चीपेस्ट वाटर कलर से अपनी मार्जिन वेजिटा की ड्राइंग को कलर करने वाला हूँ, जिसका मैंने ऑलरेडी फ्री हैंड स्केच ट्यूटोरियल और आउटलाइनिंग या लाइन आर्ट ट्यूटोरियल डाल रखा है अपने चैनल पे, जो कि तुम लोग जाके देख सकते हो। कलर करने के साथ साथ मैं इन पे कुछ टिप्स देने वाला हूँ और इनका रिव्यू भी करने वाला हूँ। सो विदाउट एनी टाइम किलिंग लेट्स बिगिन। लेट्स वेलकम अवर ब्रशेज। हियर इज माई डर्टी कलर पैलेट एंड स्पेशली पानी। पानी की तो हमें जरूरत पड़ने वाली है सबसे ज्यादा ब्रश धोने के लिए। तो मैं फर्स्ट टाइम वाटर कलर यूज करने वाला हूँ एनिमे ड्राइंग में, सो आई डोंट हैव एन एक्सपीरियंस। लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि वाटर कलर यूज करने से पहले पेपर पे वाटर स्प्रेड कर देना चाहिए ब्रश से। मुझे ये तो पता नहीं ये क्यों करते हैं, अगर आप लोग को पता है तो नीचे कमेंट में बता देना, लेकिन मैं तो ये करने वाला हूँ। तो पहले मैं स्किन एरियाज में वाटर स्प्रेड करूंगा। अब मैं पैलेट पे स्किन कलर डाल के उसे थोड़ा डाइल्यूट कर दूंगा, मतलब थोड़ा पानी डाल दूंगा। इससे हमारा कलर भी बर्बाद नहीं होगा और ज्यादा से ज्यादा हम लोग जगह पे कलर कर पाएंगे आराम से, और हमारा लाइन आर्ट भी खराब नहीं होगा। तो आप भी इस टिप को फॉलो कर सकते हो। ओह नो गाइस, यहाँ पे जो मैंने आपको टिप बताया कि लाइन आर्ट इसे खराब नहीं होगा, तो ये मेरा टिप तो सही था, बट मैंने पानी ज्यादा नहीं डाला अपने स्किन कलर में, जिसके कारण अब मेरा लाइन आर्ट ढक चुका है स्किन कलर के कारण। गाइस यार, आप लोग जब भी कलर करना है तो उसको पूरा पूरी डाइल्यूट कर देना, अच्छे से इसमें पानी मिला देना, ताकि आपका लाइन आर्ट नहीं ढके। मैंने और थोड़ा सा अपने स्किन कलर को डाइल्यूट कर लिया है, तो अब ये थोड़ा थोड़ा हमारा लाइन आर्ट विजिबल है। तो ये हमने लाइट स्किन टोन से पूरा बेस लेयर तैयार कर लिया है, अब हम लोग इसमें डार्कर टोन को ऐड करने वाले हैं। तो चलो हम लोग डार्कर टोन क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ब्राउन कलर लेने वाले हैं एंड इसमें हम लोग थोड़ा सा स्किन कलर मिलाएंगे एंड फिर उसको अच्छे से डाइल्यूट कर लेंगे, ताकि हमारा लाइन आर्ट नहीं ढके। कोशिश तो मैं यही करने वाला हूँ कि लाइन आर्ट नहीं ढके, बट स्टिल देखते हैं क्या होता है। तो मैंने डार्कर टोन तो बना लिया, बारी इसमें कलर करने की, तो चलो इसमें कलर करते हैं। तो गाइस चीजें एज एक्सपेक्टेड हुई, हमारा लाइन आर्ट पूरी तरह से कम्प्लीटली ढक चुका है। अब क्या ही कर सकते हैं, हम लोग को दोबारा से ड्रॉइंग के एंड में लाइन आर्ट करना पड़ेगा। तो गाइस मिड डार्क टोन होने के बाद अब मैं इसमें सबसे डार्केस्ट टोन ऐड करने वाला हूँ, जो कि हमारे वेजिटा के रेफरेंस में है। तो गाइस हमारा स्किन कलर हो चुका है, अब इसको हम लोग ड्राई होने देते हैं। हम लोग चलते हैं अपने हेयर पे। तो गाइस हेयर का कलर बनाने के लिए मैं सबसे पहले येलो कलर लेने वाला हूँ एंड येलो में मैं ऐड करने वाला हूँ व्हाइट कलर को एंड फिर से उसे डाइल्यूट कर देंगे। तो गाइस चलो इसके हेयर में कलर करते हैं। गाइस जैसे मैंने स्किन में पहले बेस लेयर किया था, वैसे ही मैं पहले हेयर में बेस लेयर करूंगा इस येलो कलर का शेड जो मैंने अभी क्रिएट किया है एंड फिर मैं उसमें डार्कर टोन ऐड करूंगा एंड फिर मैं उसमें हाइलाइट्स को ऐड करूंगा। अब मैं डार्कर टोन के लिए नॉर्मल येलो कलर का ही यूज करने वाला हूँ। अब हाईलाइट के लिए मैं नॉर्मल से व्हाइट कलर से इसको हाईलाइट कर दूंगा। स्किन के हाईलाइट के लिए भी मैं व्हाइट कलर यूज करने वाला हूं। तो गाइज स्किन और हेयर दोनों के कलर कंप्लीट हो चुके हैं, अब बारी इसके क्लोथ्स को कलर करने की, तो चलो करते हैं। तो गाइस मैं क्लोथ्स के लिए ब्लू का सबसे लाइट शेड यूज करने वाला हूँ, यानी कि मैं ब्लू में व्हाइट कलर मिक्स करके उसे डाइल्यूट करके इस पे कलर करने वाला हूँ। अब मैं सेम स्टेप इस पे भी करने वाला हूँ, लाइट ब्लू से मैं पहले एक बेस लेयर स्टार्ट करूंगा एंड देन उस पे हम लोग डार्कर एरियाज धीरे धीरे करके ऐड करेंगे। तो बेस लेयर हो चुका है, अब बारी है इसमें शेडोज को ऐड करने की। गाइस वेजिटा क्लॉथ्स में दो तरह के शेडोज है, एक थोड़ा डार्कर है एक थोड़ा लाइटर है। तो लाइटर वाले के लिए मैं सेम शेड जो मैंने बेस लेयर पे यूज किया उसी में मैं थोड़ा सा ब्लू ऐड कर दूंगा। गाइज यार, आप लोग डिफरेंट डिफरेंट टिप्स का यूज करना ब्रश का, क्योंकि आप लोग को कहीं कहीं पर ज्यादा एरिया को कलर करना पड़ सकता है, कहीं कहीं पर छोटे एरिया से कलर करना पड़ सकता है। तो छोटे एरियाज में आपको पतले ब्रश टिप यूज करने हैं। गाइज आप लोग जब भी वाटर कलर से कलर करना तो एकदम पेशेंसली करना, तभी आप लोग का एक परफेक्ट ड्रॉइंग निकल के आएगा। तो इसके क्लोथ्स में कलर कर दिया है, अब बारी इसके हैंड के ग्लव्स की।
तो गाइज हमारा पूरे तरीके से कलर हो चुका है, अब बारी है इसमें लाइन आर्ट करने की दोबारा से। गाइज मैं तो अपने फाइन लाइनर से ही इसमें लाइन आर्ट कर दूंगा क्योंकि मेरे पास पतले वाले ब्रश टिप नहीं है इसलिए। गाइज अगर आपके पास पतले वाले ब्रश टिप है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग उन्हीं से लाइन आर्ट करना, क्योंकि अगर आप फाइन लाइनर से करोगे तो आपको फाइन लाइनर का टिप खराब हो जाएगा। मैं इससे सफर कर चुका हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। सो गाइज दैट्स इट विद दिस चीप वाटर कलर्स। ये वाटर कलर ₹20 के वर्थ हैं एंड काफ़ी अच्छी कलरिंग दे देते हैं। सो अगर आप बिगिनर हो तो इसे यूज़ कर सकते हो। हाँ दो सेकेंड रुक जाओ, रिजल्ट भी दिखाता हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाउ एंजॉय सम साइनेमैटिक शॉट्स।